गाइज अपन को क्या करना है, वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट, जो वाटर एब्जॉर्प्शन है अपना वो लिख लेना है, और जो मॉइस्चर आया है अपना वो यहाँ लिख लेना है। उसके बाद अपन को क्या करना है गाइज, जैसे मेरा जीरो आया है तो गाइज अपन जीरो गाइज अपन जीरो पॉइंट जीरो माइनस 0.58 तो ये माइनस में आएगा गाइज 0.58 ये माइनस आएगा तो माइनस का निशान कर देना है, तो ये भी माइनस में आएगा गाइज। और ये वाला गाइज है ये अपना इसमें इसको इसमें माइनस करना है 0.5 माइनस 1.60 तो गाइज यहाँ लिख लेना है आपको 1.10 और यहाँ पे माइनस करना है। ऐसे लिख लेना है गाइज। उसके बाद अपन को क्या करना है, सेम ऐसे करना है, कैलसिप करना है और 674 का इसका परसेंटेज निकालना है, 674 इंटू 0.58 परसेंटेज 3.909। ठीक है गाइस। उसके बाद 419 इंटू 0.8 परसेंटेज 3.592। उसके बाद क्या करना है गाइस अपन को, 720 इंटू 1.10 परसेंटेज 7.92। ये सब माइनस में है गाइस, तो अपन को क्या करना है इन सब को जोड़ना है और यहाँ लिखना है। ठीक है गाइस, 3.909 प्लस 3.592 प्लस 7.92 15.421। ठीक है गाइज, अभी अपन को क्या करना है, यहाँ पे अगर माइनस है गाइज तो अपन को यहाँ प्लस करना है, और यहाँ पे अगर प्लस है तो यहाँ माइनस करना है वाटर में, तो अपना माइनस में है तो ये वाटर में प्लस हो जाएगा 15.421 प्लस 174 वाटर हो जाएगा गाइज अपना 189। ठीक है गाइज, तो अपन यहाँ करेक्शन कर लेंगे, 674 माइनस 3.909 तो यहाँ लिख लेंगे गाइज वो। उसके बाद वैसे वैसे यहाँ लिख लेंगे 449 माइनस 3.592 यहाँ लिख लेंगे गाइज 445 और 720 माइनस 7.920 712 और ये वाटर जो है वो यहाँ लिख देंगे 189। और गाइज यहाँ पे फ्लाइस आपको पता ही है सेम रहेगा, और ये अपना कैलकुलेशन हो गया, बिल्कुल आसान है गाइज। अगर आप एक बार इसको अच्छे से समझ जाओगे ना गाइज तो कभी नहीं भूलोगे। कुछ नहीं करना है, वाटर एब्जॉर्प्शन है इसको अपन को लिख लेना है, और मॉइस्चर करेक्शन है इसको भी रख लेना है जो अपना मॉइस्चर आया है, फिर मॉइस्चर को इसमें माइनस करना है। अगर अपनी संख्या माइनस में आ रही है तो यहाँ लिख लेना है माइनस में, और अगर प्लस में आ रही है तो यहाँ प्लस में लिख लेना है। इस फर्स्ट वाला जो अभी मैंने बताया था उसमें प्लस वाला था, अभी माइनस वाला है। इसमें कोई कन्फ्यूजन होगा इस तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करें।